मडल सेवेंटी वन मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट जब हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की है तो हमने वहां पे बात की है सिर्फ अबाउट द लेवल ऑफ आउटपुट अगेंस्ट वेच अ फार्मर कैन मैक्माइज हेट्स प्रॉफिट लेकिन जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे बिसाइड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट वी हैव टू फाइंड आउट आफ इनपुट वेयर फार्मर इज मैक्माइजिंग प्रॉफिट अब मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्या है एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज करेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ इनपुट वेयर फार्मर इज मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट अब मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट है क्या बेसिकली ये है आपके पास एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय फार्मर बाय एम्प्लाइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट हमारी यहां पे अभी तक एजम्पन क्या थी कि फार्मर इज ऑपरेटिंग अंडर शॉर्ट रन there is only one variable factor of production while all other factors of production are constant marginal value product of an input is in fact equal to marginal physical, pro physical product of that particular input multiplied by price of output Ke jab marginal value product of labor or my assumption where there is only one variable factor of production that is labor तो आप इसको कंप्यूट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विद प्राइस ऑफ आउटपुट अगर हम बात करें मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल तो मेरी एजम्पन क्या है देर इज ओनली वन वेरिएबल फैक्टर दैट इज कैपिटल वी कैन कंप्यूट दिस मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बाय मल्टीप्लाइंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विद प्राइस ऑफ आउटपुट और इस सारी चीज को कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी आर यूजिंग हाइपोथेटिकल यूजिंगल जिसमें सेकेंड कॉलम पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल आउटपुट और थर्ड कॉलम में मेरे पास है लेबर ऑफर टू प्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर आउटपुट अगेंस्ट गिवन क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट हाँ जी हमने मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कंप्यूट किया था किस तरह बाई कंप्यूटिंग चेंज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ चेंज इन

तो बेसिकली वी आर गेटिंग दिस मार्जिन वैल्यू प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट विद प्राइस ऑफ आउटपुट और ये मुझे इंडिकेट करता है एडिशनल बेनिफिट दैट अ फार्मर इज गेटिंग बाय एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट और यहां पे इसी चीज को अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में डिपिक्ट कर दूं तो अब मेरे पास ऑरिजेंटल एक्सेज में क्या है वी आर टेकिंग लेबर आवर्ड इन यूज ऑन हॉरिजेंटल एक्सेस एंड मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट क्या है वी आर टेकिंग इट ऑन वर्टिकल एक्सेस और ये इसका रिलेशनशिप क्या है कि एज लेबर आवर्स इंक्रीजेज इनिशियली मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज रिच इज एट अक्सिमम पॉइंट और उसके बाद क्या हो गया इट स्टार्ट डिक्रीजिंग हाँ जी अगर आपको याद हो हमने इससे मिलती जुलती एक और भी डायग्राम कभी ड्रा की थी जिसको हमने कहा था मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट तो ये जो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट है इट इट इज मोर आर लेस सिमिलर टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट लेकिन यहां पे वी आर गेटिंग दिस मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट विद प्राइस ऑफ आउटपुट अब बेसिकली मार्जिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट हेल्प्स अस टू डिटर्मिन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिमांड फॉर इनपुट उिटूट हाउ मच हाउ मच इनपुट विल बी डिमांडेड बाई दू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट लेकिन यहां पर वो किस इनपुट की बात कर रहे हैं इनपुट दैट इज वेरिएबल इनपुट और ये सब मुझे रिपोर्ट क्या करता है दीज मार्जिन वैल्यू प्रोडक्ट रिपोर्ट द मार्जिनल बेनिफिट अगेंस्ट अगिवन लेवल ऑफ इनपुट और मार्जिनल बेनिफिट क्या है मार्जिनल बेनिफिट्स आर इंक्रीज़ इन रेवेन्यू ड्यू टू इंक्रीज़ इन इनपुट बाय वन यूनिट जी जो भी आपके पास चेंज इन यहां पे हम बात कर रहे हैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट की जो भी आपके पास चेंज इन टोटल रेवेन्यू आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन इनपुट दैट इज बेसिकली मार्जिनल बेनिफिट दैट इज बेसिकली मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट हाँ जी हम इस मार्जिन वैल्यू प्रोडक्ट को कई दफा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी कहते हैं और अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं तो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इनपुट और फार्मर की डिसीजन मेकिंग में कि कितनी क्वांटिटी इनपुट यूज करनी है टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट उसमें मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट अपना एक रोल प्ले करेगा